रिलीजन, मैं किसी भी रिलीजन की हो सकती हूँ, लेकिन अगर मैं कोई भी चीज़ गलत कर रही हूँ तो मैं गलत हूँ, कोई भी रिलीजन गलत नहीं है। माई पर्सनल थॉट्स, कोई डिसएग्री कर सकता है, बट मेरे हिसाब से कोई भी रिलीजन बुरा नहीं है। मेरे हिसाब से जो इंसान गलत कर रहा है वो बुरा है। मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। तो लड़की हिंदू हो गई कि मुसलमान ही है वो? नहीं, हिंदू, मुस्लिम से हिंदू बनी है। ये फ्रॉड करके उसको कन्वर्जन कर दिया है, ये बताओ ये कोई तरीका है? दोस्तों, भगवा लव ट्रैप, लव जिहाद, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ये फिल्म जो दिखाई गई है वो केरला पे बेस्ड है ये स्टोरी, और ऐसा बताया जा रहा है कि 10 सालों में 30 से 32 हजार जो हिंदू लड़कियां हैं उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। ये सारा चीज उसमें दिखाया गया है, उसमें से कुछ टेररिस्ट बन गई, कुछ ये हो गई। तो अगर एक आंकड़ा देखे तो इसी तरह से मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं देख रहा था कि मुस्लिम लड़कियां ट्रैप हो रही है, तो वही आंकड़ा उसका भी होगा मुझे लगता है। तो इसको अगर इंटेंशनली किया जाता है, किसी को लव ट्रैप किया जाता है, यानी ट्रैप करके लव किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो वो तो गलत ही है। अब आपको एक वीडियो स्टार्ट पे हमने दिखाया जिसमें एक संगठन ऐसी बात कर रहा है कि अगर मुसलमानों को कमजोर करना है तो उनकी लड़कियों पे टारगेट करना है। हो सकता है कि कोई आतंकवादी संगठन मुस्लिम भी यही सोचता हो और यही करता हो। अब एक जज साहब की बात अगर आप सुने तो उन्होंने एक मुस्लिम लड़की हिंदू बनी, अब कुछ तो गड़बड़ होगा, तभी तो जज साहब को ये बोलना पड़ा कि ये सब जो ड्रामा, ये सब जो ट्रैप करके भोली भाली लड़कियों को आप जो है दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, ये गलत है। तो मतलब जहाँ भी ट्रैप शब्द आएगा, जहाँ भी किसी को ट्रैप करके अगर इस तरह का धर्म परिवर्तन किया जाता है या फोर्सफुली धर्म परिवर्तन किया जाता है, वो गलत है, और वो दोनों धर्मों में गलत है। मुझे इतना ही समझ में आया। और आप यकीन जानिए, मैं जब गूगल सर्च कर रहा था तो ऐसे हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं। आप चाहिए तो, आपको अगर लगेगा कि मेरी बात झूठ है, तो आप गूगल पे भगवा लव ट्रैप सब सर्च करो, लव जिहाद सर्च करो, आपको दोनों धर्मों के लड़कियां पीड़ित दिखाई देगी। टारगेट के तहत किसी को ट्रैप करना, ये हर धर्म में गलत बताया जाता है। द केरल स्टोरी पिक्चर देख करके कुछ महिलाएं निकली और सब महिलाओं ने करीब करीब इस बात पे जोर दिया कि ये जो केरल स्टोरी पिक्चर है बहुत ही इमोशनल है, हमें तो ये मालूम नहीं था, पार्ट नहीं मालूम था। लेकिन सबने ये एक्सेप्ट किया कि धर्म कोई गलत नहीं, रिलीजियस कोई गलत नहीं, जो गलत तरीके से काम करता है, गलत करता है, वो गलत है। इस मूवी में बहुत सारे मैसेजेस है, मैसेजेस टू पेरेंट्स, मैसेजेस टू एवरी रिलीजन, मैसेजेस टू एवरी इंडियन, मैसेज टू मदर, मैसेज टू फादर, मैसेज टू टीनेज। लोग जो रिलीजन को गलत तरीके से दर्शाते हैं वो ये बात बताते हैं। तो आप किस गुरु के पास जाते हो, और अगर आप गुरु को मानने लगते हो, गुरु को खुदा मान लेते हैं लोग, तो गुरु की बात को भी पत्थर की लकीर बना देते हैं और फिर उसके हिसाब से ब्रेन वॉश होके चीज़ें करते हैं। सो आई थिंक बच्चों को स्टार्टिंग से अगर पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा ना, बताया जाएगा घर पे कि क्या सही है क्या गलत है, वही एंगल से बच्चे सोचेंगे। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होना चाहिए कि अगर बेटा, अगर तुमको किसी ने बताया, कम बैक टू मी, मेरे पास आओ और मुझे बताओ, बिकॉज रॉन्ग राइट तो हर कोई होता है। और इट्स नॉट ओनली रिलीजन, अगर कॉलेज जाएंगे तो बहुत अलग अलग चीज़ों में रॉन्ग राइट होता है। तो ये फिल्म है, ये एक आवाज़ बन के आई है। तो आवाज़ इसलिए बन के आई है क्योंकि कोई भी धर्म गलत नहीं होता, बट जिस तरह से उसे दिखाया जाता है, जिस तरह से उसे प्रोजेक्ट किया जाता है, वो गलत होता है। और जिस तरह से गुमराह होते हैं बच्चे, उन गुमराह होते हुए बच्चों को पेरेंट्स का अगर सपोर्ट मिलता है तो ये चीज़ शायद नहीं होगी। लेकिन दिस इज़ नॉट ओनली द थिंग, ये बहुत बड़े लेवल का काम है। ये छोटी लेवल पर एक मूवी बनाने से इसमें उजागरता आएगी, सिर्फ उस चीज़ को दिखाया जाएगा, लेकिन इस पर अगर एक्शन लेनी है तो वो गवर्नमेंट को लेनी होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जितना सामने आए और जितना ये लोग आके बोले कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उतना शायद इफ़ेक्ट हो सकता है।
क्योंकि लोग अभी भी डर रहे हैं काफ़ी लोग, और इस मूवी की वजह से जो रियल में जिसके साथ जो भी ये सब हुआ है वो लोग आगे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। मैंने अभी जस्ट सुना कि है ना काफ़ी लोग अभी बाहर आ रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। बट द मूवी वॉज फिनोमिनल एंड वेरी शॉकिंग, लाइक टू नो कि ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड स्टिल द गर्ल शी इज स्टिल सफरिंग एंड मेनी ऑफ देम आर सफरिंग। बात रिलीजन की नहीं होती है, बात किसी कास्ट की नहीं होती है, बात मेंटेलिटी की होती है। अगर हम अच्छे एजुकेटेड पेरेंट्स बनना चाहते हैं, हम बने और आगे भी अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें कि वो उनका कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सके, वो सही दिशा में चल सके और उनको सही और गलत में फ़र्क मालूम हो। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, पर हमको समझना ज़रूरी है कि ट्रैप क्या चीज़ होती है, और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो जा रहे हैं अलग अलग जगह पे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, जॉब के लिए, उनको भी सीखना ज़रूरी है। और मैं रियली तहे दिल से ये पिक्चर के जो डायरेक्टर जो भी है उन सबको मैं बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ों को सामने लेके आए। ध्यान नहीं देना चाहूँगी कि आप लोग आगे आइए, आप लोगों पे जो गुजरा है, जो बीता है, वो शायद हम उसको उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, बट आप लोग अगर आगे आके सबको समझाएंगे, बताएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कानूनी तरीके से हर चीज़ नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा हमको पर्सनली भी जाना पड़ता है और पर्सनली भी करना पड़ता है। मेरी बात किसी को कड़वी लग सकती है, मेरी बात किसी को अच्छी लग सकती है। जिनको कड़वी लगेगी वो कड़वा बोलेंगे, जिनको अच्छी लगेगी वो अच्छा बोलेंगे। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा फिर से कि धर्म में ऐसा कुछ नहीं, किसी भी धर्म में ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया कि जबरन किसी को टारगेट करो, जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराओ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी। लेकिन इस एक संगठन में तो ओपन बोलते हुए ये वीडियो दिख रहा है कि अगर मुसलमानों को कमजोर करना है तो उनकी लड़कियों को टारगेट करो, इस पर भी पिक्चर बनाओ। और ऐसे वीडियो आपको बड़े बड़े लोगों के मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज आप सर्च करोगे तो मिल जाओगे। ऐसी बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं पीड़ित मिलेगी जो कि जिन्होंने जो मुस्लिम धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म अपनाया और फिर उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, उन पे भी पिक्चर बननी चाहिए। तो अगर पिक्चर बनना है तो सब पे पिक्चर बननी चाहिए। लेकिन मैं फिर से उस डायरेक्टर की बात पे आता हूँ कि उन्होंने कहा हमने तो ये एक पिक्चर बनाया है, इसका धर्म से क्या लेना देना, आतंकवादी टेररिस्ट होता है, आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, वो आतंकवाद कोई भी हो सकता है। अंत में इतना ही कहूंगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।